वसुंधरा राजे राजनीति का एक बड़ा चेहरा है, एक ऐसी महिला नेता जो अकेले ही बीजेपी को घुटनों पर ले आती है, एक ऐसी नेता जिसकी खुद की पहचान है और राजनीति में खूब चलती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राजनीति के अलावा भी राजे फैशन के लिए भी जानी जाती है। जी हाँ, एक वक्त ऐसा भी था जब वसुंधरा राजे ने रैंप पर कैट वॉक करके खलबली मचा दी थी। चलिए इस कहानी के साथ साथ वसुंधरा राजे से जुड़ी अनसुनी कहानी आपको सुनाते हैं। वसुंधरा राजे बीजेपी की दिग्गज नेता है, जिन्होंने अभी हाल फिलहाल ही राजस्थान में हुए विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत बीजेपी को दिखाई थी। यहाँ तक कि कहा गया था कि बीजेपी ने वसुंधरा से पूछ कर ही सीएम का नाम फाइनल किया था। अब उनसे जुड़ी और बातें भी जान लीजिए। वसुंधरा ने रैंप पर किया था कैटवॉक, बात 2006 की है। राजनीति में कदम रख चुकी वसुंधरा की खूब चर्चा थी, लेकिन बवाल तब मच गया था जब वसुंधरा राजे ने एक खादी फैशन शो के दौरान रैंप पर कैटवॉक किया था। उसमें वसुंधरा राजे ने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी। रैंप वॉक की तस्वीर हर तरफ छा गई थी, जिसके बाद से कई सवाल उठे। विरोधियों ने तो इस बात पर राजे को निशाने पर लिया था। इसके साथ ही कहा जाता है कि बीजेपी के कई नेता भी इस बात पर भड़के थे और आलोचना भी की थी, लेकिन तब राजे ने सबको तगड़ा जवाब दिया था और कहा था कि देश की हर महिला खूबसूरत और स्वतंत्र है और वो कुछ भी कर सकती है। ललित मोदी के बिजनेस को बढ़ावा देने का लगा था आरोप। 2009 में वसुंधरा राजे सबकी नजरों में तब आ गई थी जब उन पर आईपीएल के फाउंडर और बिजनेसमैन ललित मोदी की फर्जी कंपनियों को शह देने का आरोप लगा था। उस वक्त ललित मोदी ने राजस्थान में बिजनेसमैन के तौर पर एंट्री ली थी। उसके बाद विरोधियों ने राजे पर इल्जाम लगाया था कि क्योंकि राजे की मां विजया राजे सिंधिया और ललित के पिता कृष्ण कुमार मोदी दोस्त थे, इसीलिए ललित मोदी को राजे बढ़ावा दे रही है। राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी। 2003 में वसुंधरा राजे राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी और इतिहास रच दिया था। ऐसे तो विरोधी वसुंधरा पर निशाना साधने का एक भी मौका नहीं छोड़ते हैं, लेकिन हर बार राजे मुंह तोड़ जवाब देती है। अपने विचारों, बयानों और अंदाज की वजह से वसुंधरा कई बार आलोचनाओं का सामना भी कर चुकी है। वसुंधरा राजे का राजनीतिक सफर। वसुंधरा राजे ने अपनी राजनीति की शुरुआत 1985 में की, जब उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था। राजे की झालावाड़ से पकड़ बहुत मजबूत है। राजे यहाँ से 5 बार सांसद रह चुकी है और 4 बार झालरा पाटन से विधायक बनी है। अभी राजे झालावाड़ जिले की झालरा पाटन सीट से विधायक है और वसुंधरा 2 बार मुख्यमंत्री भी रह चुकी है राजस्थान की। वुमेन टुगेदर अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित। वन इंडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक वसुंधरा राजे को 2007 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा वुमेन टुगेदर अवार्ड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो ये थी कुछ अनसुनी कहानी वसुंधरा राजे को लेकर। आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।